सारा घोटाला करने के बाद भी ये लोग ऐसा करे, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लग रहा है, ऐसा सोचने के लिए भी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन डिस्कशन इतना तो पता चल चुका है पूरा कर्नाटक राज्य और पूरा देश के लोगों को, ये लोग डिस्कशन करने के लिए भी रेडी नहीं है। तो ये तो पता चलता है, ये तो घोटाला 100% कर दिया है। आने वाले दिन में आज भी हम धरना के ऊपर रहेंगे, बाद में हमारा लीडर जो बताए वो करेगा। आज पूरा दिन सेशन के अंदर धरना चलेगा, उसके बाद रात में भी धरना चलेगा सर इश्यू को नहीं? अगर वो लोग डिस्कशन के लिए डिबेट के लिए रेडी नहीं है तो हमारा कंटिन्यू रहेगा। ओके सर, कैसा था धरना रात में? सेशन के अंदर थे सभी बीजेपी के लीडर एक साथ बैठे? नहीं, बीजेपी और एनडीए जेडीएस दोनों सभी लोग है, विधा एमएलए और एमएलसी सब लोग इधर ही थे। अभी हम निकल के वापस आ रहे हैं हम लोग इधर, फिर धरना कंटिन्यू करेंगे। सर ये आपका धरना सीएम रिजाइन करने तक रहेगा, कब तक के आपका? नहीं देखिए, ये तो सीएम तो क्लियर हो चुका है, अभी इतना तो स्पष्ट हो चुका है ये लोग गड़बड़ किए है, वाल्मीकि और एज वेल एज मुड़ा साइड में दोनों में भी इसका क्लियर हो चुका है। इसके लिए वो लोग तो रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन रिजाइन करने का छोड़ दो, ये लोग डिबेट करने के लिए भी रेडी नहीं है। इतना घटिया सरकार आज तक हम कभी भी नहीं देखा। सर कैसा था धरना आज का सेशन में? सभी बीजेपी और जेडीएस के लीडर भजन? हाँ भजन किए, रात को 2 बजे तक हम लोग थे, करके बाद में सोए, अभी फिर आके वापस धरना चालू करेंगे हम लोग। अभी वॉक करेंगे सर विधानसभा? हाँ होगा, फिर सभी कुछ होगा, इधर ही होगा। अभी जो मोढ़ा का एक 4000 करोड़ का एक बहुत घोटाला है, बहुत भ्रष्टाचार उसमें, जो ये लैंड एक्विजिशन में और जो प्लॉट आवंटित करने में, जो कहाँ तीन एकड़ सोलह गुंटा का जो जमीन है उसको छोड़ के बाहर का 14 प्लॉट दिया है। एक एक प्लॉट का कीमत अभी तो 2 से 3 करोड़ों में हो जाएगा ऐसा। इसमें उन्होंने बोलता है, जो रूलिंग पार्टी का मंत्री, नगर विकास का मंत्री बोलता है, आप भी नाम है बीजेपी वाले का, आप भी किया। येडियुरप्पा जब सीएम था उन्होंने पूरा इनको ये किया, रेगुलराइज किया, ऐसा उनका बयान है। हम चाहते हैं सभी का जो ये हुआ घोटाला हुआ है, जब येडियुरप्पा का जमाने में, सिद्धरामय्य के जमाने में, बोम्मई का जमाने में, जो भी है सबका भंडाफोड़ होना चाहिए। ये एडजस्टमेंट राजनीति जो कर्नाटक में 10-15 वर्ष जो चलते आए हैं, ये समाप्त हो। हमारा पार्टी का आलाकमान को समझना चाहिए, कर्नाटक में ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स से बीजेपी को बहुत एक नष्ट हुआ है। सर आपका ये धरना क्या है, सीएम रिजाइन करने तक चलेगा क्या आज कल, आज दिन भर रात? हमारा मांग यही है, सिद्धरामय्य जी का इस्तीफा दो, नहीं तो पूरा इसको सीबीआई को दो। जो मुड़ा में जो ये जमीन का आवंटित में जो एक्विजिशन में जो ये हुआ है, ये घोटाला हुआ है, इसका पूरा जांच हो। जब तक तो आप सीएम ने उनका कुर्सी छोड़ दो। सर लास्ट पे कब तक, कैसा था सर आज का आपका धरना, रात भर कैसा था? बीजेपी जेडीएस मिलकर करे थे? हाँ सब, कोई उनका जो रुचि है बजना किया, कई स्टोरी बोला और आराम से 12-1 बजे तक। कोई मिनिस्टर्स आए थे सर देखने आपको रात में? हाँ एचके पाटिल आए थे, एचके पाटिल सबको आके हमारा जो क्या क्या उनको जरूरत है हमने बोला, आपका कोई भी एक चाय भी हम नहीं पियेंगे। हमारा अशोक विपक्ष का नेता सभी जो खाने का सभी चाय पानी का सभी व्यवस्था किया था। सेशन में अंदर और अंदर भी ये चलेगा, ये अंदर चलेगा। हम और अनुरोध करेंगे हम स्पीकर साहब को, आप इसको चर्चा करने के लिए समय दो।